तो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे पहले की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग। मैं हीरा, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यानी रेडएक्स मोटो ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर के काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट में से एक स्पॉट। जी हाँ, सही समझे, आज जा रहे हैं हम लोग जिलिंगोड़ा, जो कि है जमशेदपुर के जुगसलाई के एरिया पे। तो चलिए, लेट ना करते हुए मिलते हैं बाइक पे और चलते हैं जिलिंगोड़ा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो कांचा लिखा हुआ, कांचा कांचा ये एक जगह है। और यहाँ से जो है ये सीधा जाइएगा तो राजनगर निकल जाइएगा। तो हम लोग को राजनगर वाला सीधा रास्ता नहीं पकड़ के यहाँ से जो राइट दिख रहा होगा कैमरे पे आपको, रोड अभी जो है जस्ट बनना चालू ही है, पूरा कंप्लीट शायद नहीं हुआ होगा। यहाँ से राइट जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर हम लोग को जाना है जिलिंगोड़ा। तो थोड़ा सा अंदर आने के बाद आपको ऐसे जो है सीमेंटेड रोड देखने को मिलेगा। अभी जो हम लोग रोड से आ रहे थे वो पीच रोड था, मतलब काफ़ी अच्छा रोड था। और ये है सीमेंटेड रोड, ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे पहले अभी मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, जब ये कच्चा रास्ता हुआ करता था, बट ये फाइनली इसको सरकार ने ध्यान दिया और ये अब इसको सीमेंटेड बना दिया गया है। देख सकते हो, हमको लगता कुछ ही दिन पहले ये जो रोड है ये कंप्लीट हुआ होगा। फिर यहाँ से आपको दो रास्ते जो है राइट और लेफ्ट जा रहे हैं, तो हम लोगों को जाना है राइट, क्योंकि ऑलवेज राइट ही अच्छा होता है। जिलिंगोड़ा के लिए राइट ही करना आप सभी को, लेफ्ट लेके मत चला जाइएगा। थोड़ी सी आगे आने के बाद ये आपको मैदान मिलेगा देखने को, कैमरे पे देख सकते हो। और सामने एक चौक दिख रहा है, ये कौन सा चौक है पता नहीं, एक सरकारी स्कूल मिलेगा। अब यहाँ से कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पीछे बैठे हुए रंजीत जी, वो बता रहे हैं कि सीधे चलना है, क्योंकि गूगल भी यहाँ पे धोखा खा जाता, लेकिन जो मेरे पीछे बंदा है वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि उनको हर गली हर रास्ते का जो है अच्छा नॉलेज है। इसीलिए आज उनको भी ले कर आया हूँ साथ में। बारिश के दिनों में ये रास्ता जो है ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये कच्चा रास्ता, इसी वजह से। ऐसे आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर जून जुलाई कभी भी आओ, ये रास्ता आपको हमेशा खुला हुआ मिलेगा। ऐसे पिकनिक के दिनों में ही यहाँ पे जो है भीड़ होती है, अदर दिन में जो है यहाँ बहुत ही कम लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आउटर साइड है इस वजह से। लेकिन यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ जो है रोड आपको ऐसे ही कच्चा मिट्टी वाला रोड देखने को मिलेगा, क्योंकि बालू गिट्टी इधर से जो है ट्रक या ट्रैक्टर से ले जाया जाता है, इसी वजह से ये जो रोड है अभी तक कच्चा है। तो अभी तक जो है भाई हम लोग को रास्ता नहीं मिला है जो डैम तक जाता है। हम लोग दो चक्कर लगा चुके हैं इसका, मतलब रास्ता भूलने के बाद एक बार हम लोग जाके देखते हैं ये कहाँ जाता है ये वाला रास्ता। थोड़ा सा गाड़ी नीचे लगाते हैं, उसके बाद पैदल जाके देखते हैं डैम कितना ऊपर है। गाड़ी दिखेगा यहाँ से? अच्छा, दिख जाना चाहिए। अच्छा, चलिए देखते हैं एक बार सामने से जाके। देखिए रंजीत जी जो है पैदल जा रहा है, वो अपना रंजीत, हम भी अब पैदल ही जा रहे हैं। देखते हैं डैम ऊपर है या नीचे है, मेरे को लगता है हम लोग का ऊपर जो है डैम है। चलिए सामने से जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं एक्चुअल में डैम सामने है, मतलब ऊपर है या नीचे है। खेती खेती होते हुए भाई, ये में गाड़ी कितना ये में पता नहीं, न्यूट्रल है गाड़ी। लास्ट में लोग वही रास्ते पे निकले, खेती खेती होते हो कोई बात नहीं। तो फाइनली हम लोग सही रास्ते पे आ चुके हैं, देख सकते हो ये। अगर आप मेरा पुराना वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा आपको कि वही रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग लास्ट टाइम जो है जिलिंगोड़ा गए थे। पर कोई नहीं, फाइनली हम लोग सही ट्रैक पे है। मैं चाहूँगा कभी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, हमने शॉर्टकट के चक्कर में जो है 15-20 मिनट अपना ख़राब किया।
लास्ट में फाइनली हम लोग को वही मेन रोड पकड़ के ही जो है जाना पड़ रहा है जिलिंग घोड़ा। जो लास्ट टाइम हम लोग जिस रूट से गए थे उसी रूट से हम लोग फिर फाइनली उसी रूट से जा रहे हैं। देख सकते हो रास्ता जो है पहले से खराब हो चुका, पहले थोड़ा सा ठीक था, कंटिन्यू इसमें बड़ा गाड़ी चलने की वजह से जो है ये रास्ता जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है पहले के मुकाबले। बस यहाँ से अब करीब करीब हाफ किलोमीटर बच गया अपना डिस्टिनेशन, तो चलिए एक बार मिलते हैं आपको डिस्टिनेशन पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जिलिंग घोड़ा, देख सकते हो मेरे पीछे, और आज भी है मेरे साथ रंजीत जी। तो रंजीत जी कैसा है? बहुत अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। और ये जो है डैम है छोटा सा, ओवरफ्लो हो रहा है, काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देख सकते हो हम लोग नदी को पार करके उस पार जा रहे हैं, वीडियो अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा गहरा पानी लगता, पैंट भीग जाएगा। रंजीत जी तो हो गया पैंट भिगा के पार, अब मेरी बारी है, बहुत ज़्यादा पानी है लगता है यहाँ पे, इधर से पार होंगे पता नहीं, पैंट तो भीगेगा ही कंफर्म है। ओ भाई साहब तो गहराई बढ़ते जा रहा है, कोई बात नहीं पैंट भीगे पर वीडियो बन जाए। उस पार से जो है व्यू अच्छा नहीं देखने को मिल रहा था, इसी वजह से हम लोग जो है नदी को पार करके इस पार आए हैं। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ का ऑसम व्यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यू डिस्टिनेशन, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी जाइएगा गंदगी नहीं फैलाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यू डिस्टिनेशन, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।